डियर स्टूडेंट्स, टुडे क्लास नाइन्थ, वर्कशीट नंबर 42, सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। आज की वर्कशीट में डिस्कस किया जा रहा है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर किसे कहते हैं? जनरली सिलेंडर इज अ फॉर्म ऑफ पाइप। आप जनरली किसी एक्टिविटी को देखेंगे तो आपके पास यदि कोई सिलेंड्रिकल शेप है तो सिलेंडर बनता कैसे है, जनरली एक पाइप कैसे बनता है। यदि हम ये देखें कि ये एक पार्ट आपके पास एक पाइप फॉर्म में पेपर मैंने रोल किया है, इसको हम पाइप या सिलेंडर कह सकते हैं। ये सिलेंडर कैसे बना? ये जनरली एक सीट है। यदि आप देखोगे तो ये आपके पास यदि रोल सीट है, रोल सीट को यदि आप सीधे करेंगे तो यहाँ पर आप इसको ओपन कर दें तो ये एक सीट का एरिया आपके पास आएगा सामने, कि ये एक सीट है जिसको रेक्टेंगुलर सीट हम कहते हैं। रेक्टेंगुलर सीट से ही सिलेंडर बना है। यदि हम इसको रोल कर दें, वापस एक्टिविटी देखें, तो ये सिलेंडर बन जाएगा। मतलब सिलेंडर का जो लेटरल सरफेस एरिया है, जिसको हम कट सरफेस एरिया भी कहते हैं, वो एक रेक्टेंगुलर सीट के एरिया के इक्विवेलेंट है। मीन्स लेंथ और ब्रेथ के मल्टीपल के बराबर होगा। तो जनरली यदि इसकी लेंथ को देखेंगे तो वो सर्कमफ्रेंस ऑफ सिलेंडर होगा, जिसको 2πr कहते हैं, और उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दें तो ये लैटरल सरफेस एरिया, जिसको कर्व सरफेस एरिया, हम कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2πrh कहेंगे। जबकि इसके टोटल सरफेस एरिया में यदि हम निकालेंगे तो किसी भी सिलेंडर के एंड में दो सर्कुलर पार्ट्स होते हैं, जिसको हम यहाँ देख सकते हैं कि एक ये होलो सिलेंडर, ये सर्कुलर पार्ट है, और इसके दूसरी साइड में भी सर्कुलर है। तो यदि हम इन दोनों सर्कुलर पार्ट्स को ऐड कर दें तो टोटल सरफेस एरिया आएगा सिलेंडर के साथ। अब हम बात करते हैं कि यदि आपके पास जो वर्कशीट है उसमें कुछ एक्टिविटी के साथ जो क्वेश्चन दिए थे, हम उन एग्जांपलों को डिस्कस करते हैं। उस एक्टिविटी में जो क्वेश्चन एग्जाम्पल दिए गए हैं, वो जनरली कहा गया है कि आपके पास द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल बॉक्स इज 15 सेंटीमीटर, रेडियस 7 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो जनरली आप इसमें हाइट को 15 और रेडियस को 7 लेकर के इस फॉर्मूले में डाल देंगे तो आपके पास टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन का है, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द लाइट राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट इज 14 सेंटीमीटर एंड इज 88 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर। यदि ये आपकी बुक का क्वेश्चन है कि यदि इसमें लेटरल सरफेस एरिया आपको 88 गिवन है, तो 2πrs से यूज करके उसकी जो हाइट को यूज करें, सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया को यूज करें, यहाँ पर आपके पास रेडियस आएगी 1 सेंटीमीटर, और फिर इसका डायमीटर निकालेंगे तो रेडियस का डबल डायमीटर होता है। थर्ड एग्जांपल में क्या है, द इनर डायमीटर ऑफ द सर्कुलर वेल इज 3.5 मीटर, इट इज 10 मीटर डीप, फाइंड इनर सरफेस कर्व सरफेस एरिया एंड कॉस्ट ऑफ द प्लास्टिंग इज कर्व सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ 40 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। देन द इनर डायमीटर ऑफ द वेल इज 3.5 सेंटीमीटर, देयर द रेडियस इज 3.5/2 और 7/4 मीटर एंड हाइट इज 10 मीटर। द इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द वेल इज 2.5 2πrh। यहाँ पर आप यूज करेंगे वैल्यूज को तो आपके पास यहाँ पर 110 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। देयरफॉर द इनर कर्व सरफेस एरिया 110 मीटर स्क्वायर, बट कॉस्ट ऑफ द प्लास्टरिंग कवर्ड सरफेस एरिया, तो आप 110 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका जो आंसर आएगा 4,400 रुपीज़ आएगा उसको प्लास्टिंग करने के लिए। बट आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको खुद ट्राई करना है, सेल्फ ट्राई करना है। उसमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 44 मीटर स्क्वायर, इफ द रेडियस ऑफ द बेस इज 0.7 मीटर, फाइंड द हाइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन को देखें, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 44 मीटर स्क्वायर, बट वी हैव दिस, आपके पास इसमें आपको रेडियस गिवन है, ठीक है, रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज आर इक्वल टू 0.7 मीटर। यदि आप इसको यहाँ यूज करेंगे कर्व सरफेस एरिया में 2πrh इक्वल टू 44.4 मीटर स्क्वायर, यहाँ पर 2 × 22/7 आर यूज कर रहे हैं 0.7, और आप हाइट फाइंड करना चाहते हैं तो इस फॉर्म में करेंगे तो एच आपके पास क्या होगा 4.4, ये सब 7 यहाँ मल्टीप्लाई होगा 0.7 और 2 × 22, यदि आप उसको करेंगे डेसिमल आपके डेसिमल कैंसिल हो जाएंगे, एज यहाँ पर 10 और 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड कर दें
मतलब 10 से 10 कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, और ये 44 कैंसिल होगा 22 से, 2 से 2 कैंसिल हो गया, देन h इक्वल टू 1 मीटर। तो यहाँ पर जो हाइट है, हाइट ऑफ सिलेंडर आपकी जो आएगी वो हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 1 मीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास दूसरा वर्क दिया है कि सेकंड क्वेश्चन, सिलेंडर ऑफ द पिलर, सिलेंड्रिकल पिलर इज 15 सेंटीमीटर डायमीटर एंड 3.5 मीटर इन हाइट्स, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द पिलर एट द रेट ऑफ 12.5 सेंटीमीटर मीटर पर स्क्वायर। देन द पिलर का डायमीटर क्या है, तो डायमीटर ऑफ पिलर हम लिखेंगे सेंटीमीटर मीन्स 0.5 मीटर। तो रेडियस क्या होगी, रेडियस ऑफ पिलर 0.25 मीटर। यहां पर आपके पास हाइट गिवन है, हाइट ऑफ पिलर इक्वल टू 3.5 मीटर। आपके पास उसने क्या रेट, रेट ऑफ द पेंटिंग, रेट ऑफ द पेंटिंग भी गिवन है, ट्वेल्व पॉइंट फाइव मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, ये आपका रेट है। अब आप यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे और रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ आपके पास जो रेट है वो मीटर में गिवन है, तो आपको कर्व सरफेस एरिया भी मीटर में फाइंड आउट करना पड़ेगा और फिर उसको रेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कर्व सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ पिलर, सिलेंड्रिकल पिलर है 2πRh होता है। तो यहाँ आप इसको करेंगे और फिर कॉस्ट निकाल देंगे, कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग ऑफ पिलर। अब यहाँ आप लेंगे तो रेट क्या था, उस रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, 12.50 इंटू 2πRh मीन्स यहाँ पर आप इसको कैलकुलेट करें तो आपके पास जो आंसर आएगा 12.50 इंटू 2 इंटू 22/7। आपके पास आर जो गिवन है वो आप देखेंगे, आर है 0.25 और जो हाइट है वो 3.5। यदि आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, देखेंगे कि यहाँ पर आप डेसिमल हटा दें, डेसिमल हटाएंगे यहाँ 100 आएगा, यहाँ डेसिमल हटाएंगे 10 आएगा, और फिर देखेंगे कि किसी से या आप इसको मल्टीप्लाई या सिंप्लीफाई कर सकते हो, सब कुछ एवरीथिंग इन विदाउट डेसिमल। तो 7 से इसे कैंसिल करेंगे, 7 फाइव होगा, यहाँ से 25 है, 25 से इसे कैंसिल करेंगे तो 14 आ जाएगा, 2 से यहाँ कैंसिल करेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 11 आ जाएगा। यहाँ आपके पास 100 है, एक जीरो यहाँ ही बची है, तो इसको रीराइट करें तो ये 125/10 आएगा। न्यूमरेटर में आपके पास 11 है और यहाँ एक बचा है आपके पास 5, और डिनोमिनेटर में आपके पास बचा है सिर्फ 10। अब यहाँ देखो 10 से करना चाहेंगे तो यहाँ इसको कैंसिल कर देते हैं, आप 5 से कैंसिल करेंगे तो ये 2 आ गया, यहाँ 5 से कैंसिल करेंगे ये 2 आएगा, यहाँ से आपके पास आ जाएगा 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 फ्यूजन और ये 5। तो यहाँ आपके पास जो मल्टीप्लाई होगा 25 × 11 ये आ जाएगा 275/4, जिसको आप 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, आएगा 6 × 4 = 24 और 6 × 8 = 32 प्लस 75 रुपीस। ये आपका जो टोटल अमाउंट ऑफ पेंटिंग आएगा वो इस तरह से हो जाएगा। अब आपके पास जो कॉस्ट निकालनी थी वो आपके पास आ गई, कि कॉस्ट क्या थी, कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग ऑफ ए सिलेंड्रिकल प्लस।
अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। अब आपके पास एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, उसमें क्या है, द डायमीटर ऑफ द रोलर इज 84 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ रोलर दिया हुआ, डायमीटर ऑफ रोलर में एटी फोर सेंटीमीटर जो रोलर है उसका जो डायमीटर है, तो रेडियस क्या होगा, हम यहां लेंगे रेडियस हो गई 42 सेंटीमीटर। बट आपका जो हमें डायमेंशन निकालनी है वो निकालनी है मीटर में, क्यों, क्योंकि आपका जो रेट है उसको गिवन है मीटर में और फाइंड आउट करना है आपको एरिया मीटर्स में। तो यहाँ रेडियस लिखेंगे 0.42 मीटर लिख दें एंड हाइट ऑफ द रोलर सेंटीमीटर मीन्स 1.2 मीटर। देन नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन लिखा है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ प्ले रोलर, यहां नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इक्वल टू 500, मतलब 500 बार वो रोटेट करता है रोलर, तब जा करके आपका जो फील्ड है वो प्लेग्राउंड जो है वो प्लेन होता है। तो एरिया ऑफ प्लेग्राउंड क्या होगा, यहां लिखेंगे एरिया ऑफ प्लेग्राउंड इक्वल कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोलर इनटू नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन 500। मीन्स आप कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे तो 2πr होता है इनटू 500, तो 2 × 22/7 आर आपके पास है 0.42 और इसकी हाइट है 1.2 और ये नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन है 500। आप इन सबको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ आपके पास क्या होगा, डेसिमल हटा दीजिए यहाँ से, ये डेसिमल हटा दीजिए, तो यहाँ आपके पास होगा 100 से कैंसिल करेंगे 2 जीरोस कैंसिल हो जाएंगी, 5 से करोगे तो 2 आएगा, यहाँ डेसिमल हटा दिया तो 12 आ गया, ये 6 रह जाएगा, 7 से कैंसिल करेंगे 6 हो जाएगा और यहाँ पर आपके पास जो टर्म्स है ये आपका 44 और इंटू 36। यदि आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 11 इंटू 144 हो गया, जिसका रिजल्ट होता है 1584 मीटर स्क्वायर। इस स्टेप से आपके जो क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है और ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट।